आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट विधानसभा से विधायक वीरेंद्र सिंह कादयान के खिलाफ तिलक मार्ग थाने में FIR दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि वह भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। उसने इस बात की शिकायत पार्टी के अन्य लोगों से भी की थी, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिली। पूरे मामले में SC ST एक्ट के अलावा IPC 351 और 506 के तहत FIR दर्ज की गई है। क्योंकि यह पूरा विवाद आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब इस मामले में विपक्ष भी काफी रुचि दिखा रहा है। इसको आधार बनाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर आरोप लगा रहे हैं। यह है नीरज निरवाल, दिल्ली कैंट विधानसभा में ये रहते हैं। इनका दावा है कि यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपने ही पार्टी के विधायक के खिलाफ जान से मारने की धमकी और पब्लिक प्लेस पे जाति सूचक शब्द द्वारा बेइज्जती करने के आरोप में FIR दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 23 अगस्त 2022 को यह मामला जामनगर हाउस के SDM दफ्तर का है, जहां पर इनके खिलाफ एक शिकायत में पूछताछ के लिए SDM ने इनको बुलाया था। FIR में लिखे कंप्लेंट के मुताबिक यह SDM दफ्तर में थे जब दिल्ली कैंट के विधायक और उनके साथ और भी कई लोग SDM दफ्तर पहुंचे, शिकायतकर्ता को धमकाने लगा। शिकायतकर्ता ने FIR में लिखा है कि उनके मुताबिक विधायक के साथ और भी जो उनके समर्थक थे सार्वजनिक जगह पर जाति सूचक शब्द बोलकर उन्हें बेइज्जती कर रहे थे, वहीं इन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। संयोग की बात यह है कि शिकायतकर्ता के साथ जब यह सारा विवाद हो रहा था, उस समय इस पूरे विवाद का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो रहा था, जिसका जिक्र शिकायतकर्ता ने FIR में भी किया है। आखिरकार इस पूरे विवाद के बाद शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस में इस मामले के बाद शिकायत की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। हाँ, मैं आम आदमी पार्टी से पहले काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 से मैं इस पार्टी को जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे को 2020 से परेशान कर रहे हैं विधायक जी। तरह तरह से अलग अलग तरीकों से मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरी कभी 20 तारीख को झूठी कंप्लेंट कराते हैं 20/5 को, उसके बाद 25/5 को मेरे ऊपर हमला कराते हैं। 25/5 के बाद 20 तारीख को SDM का लेटर दिला के, दिल्ली कैंट SDM से लेटर दिला के, पुलिस का नोटिस दिला के, उसके बाद में मेरे को वहाँ पर बुला के और प्रताड़ना कर रहे हैं एकदम SDM के सामने, और मेरे को जान से मारने की और जाति सूचक मेरे को वहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरे को पिस्टल दिखाई वहाँ पे। जो इनके विधायक जी के साथ में थे, एक मुकेश नाम है और एक संजय कादयान है, इन लोगों ने पिस्टल दिखाई मेरे को। और इनके साथ में जो इनके PA हरीश वस्त, उन्होंने जाति सूचक शब्द बोले। जो इनके साथ में सरदार गुरमीत सिंह है, ठीक है, उन्होंने मेरे से जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक शब्द बोले उन्होंने, गुरमीत ने। तो इन लोगों ने मेरे साथ में वहाँ पे षड्यंत्र रचा और मेरे को वहाँ से निकलने का मौका नहीं दिया कि मैं अपने घर जा सकूँ। मेरे को घेर के रखा, मैं कैसे ना कैसे बच बचा के वहाँ से मैं निकला, सीधा मैं पुलिस थाने पहुँचा। पुलिस थाने पहुँच के मैंने अपने पुलिस को फरियाद सुनाई कि जी मेरी ऐसे ऐसे मेरे साथ में ये वाकया हुआ है और मेरी ये कंप्लेंट है और आप मेरी ये कंप्लेंट लीजिए। पुलिस ने अपना काम कराया, जो इसके ऊपर विधायक वीरेंद्र सिंह कादयान के ऊपर जो FIR दर्ज हुई नहीं, वो एक्चुअली मैंने भी देखा है और मेरी भी बात हुई है इसमें। अभी मैंने बताया है SHO जी को कि इसमें RF एक्ट नहीं है, वो कह रहे कि हम कर लेंगे और अभी मेरे को बुलाया भी है। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ जी, ये सच्चाई जो है, मैं एक आम आदमी, गरीब आदमी, मैं एक अपना जीवन व्यक्त कर रहा हूँ और प्राइवेट नौकरी कर रहा था, अपना काम धंधा करने लगा। फिर उसके बाद में मेरा जो साइबर कैफे था वो भी बंद करा दिया विधायक ने, वीरेंद्र सिंह कादयान ने। आज मैं तीन बच्चों का बाप हूँ, मेरी एक बेटी है, दो बेटे हैं, ठीक है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ और मेरा वो ही नहीं करने दिया जा रहा। मेरे को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, ठीक है। तो आज मेरे को ये पता लगा कि मेरे ऊपर सारा जो भी रचा जा रहा था षड्यंत्र, वो विधायक जी के थ्रू रचा जा रहा था, वीरेंद्र सिंह कादयान यंत्र की बात है। और क्यों, क्या झूठी एप्लीकेशन लोगों से दिलाना, करप्शन की। मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, कोई मैं दिल्ली सरकार में नौकरी नहीं करता, मेरा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। झूठी कंप्लेंटे, उसके बाद में झूठी कंप्लेंटों से नहीं हुआ तो रास्ते में रोड पे रोड रेंज करा दिया, मेरे साथ हमला करा दिया ऊपर से। अच्छा, ठीक है, उसकी भी शिकायत मैंने की हुई है और वो मेरी FIR में भी दर्ज है मामला, और वो केस मेरा चल भी रहा है। आपने जो कंप्लेंट दी है उसमें जो धारा लगा है उसमें तुरंत अरेस्ट होने का प्रावधान है जी, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। ये देखिए जी, प्रशासन का काम है और ये प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम करेगा, ठीक है। पुलिस प्रशासन है, वो इस चीज़ को देख रही है। मैंने तो उनको यही बोला कि जी मेरे साथ में जो हुआ है वो आप मेरा सुनिए और मेरी सुन के और आप मेरे को FIR करिए।
ठीक है, FIR की कॉपी दीजिए, जो कि मेरे को वो 15 तारीख को, 23 तारीख का ये वाकया था मेरे साथ जो हुआ था, ये घटना SDM ऑफिस जामनगर हाउस। आपने CCTV का भी जिक्र किया, उसमें फुटेज है, CCTV की फुटेज है जो पुलिस ने सुरक्षित कर ली है, रिजर्व कर ली है। देखिए मैटर 23 तारीख का है, पिछले महीने का 23 तारीख को ये जो जो इन्होंने कंप्लेन किया, नीरज निरवाल नाम है और ये आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। इनको धमकाया जाता है और वो भी SDM के ऑफिस में धमकाया जाता है, जामनगर हाउस में इनको धमकाया जाता है कि तुम अपने आप को हीरो मत बनो, तुम हमारे साथ जुड़ो, तुम जो पिछले जो कमांडो विधायक थे उनके साथ छोड़ो और मेरे साथ आओ, अगर नहीं आओगे तो तुम्हें ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और जो जाति सूचक सब जो मैं इतना खतरनाक खराब तरीके से बोलें, जो माइक पे हम लोग जैसे लोग बोलने में भी शर्म आती है कि उनको जाति सूचक शब्दों से एक बार नहीं 10 बार जोड़ा गया, और कादियान के साथ जो उनके सहयोगी चाहे हरीश है और 2-3 लोग हैं और लोगों का उसमें नाम है। तो 23 तारीख को कंप्लेन हुआ था और 15 तारीख को FIR रजिस्टर हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ बात कर रहे हो कि हम गरीबों के लिए, हमारे लिए सब जाति सब धर्म एक है, उनके जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन ज्ञान गुजरात में बांट रहे हैं, ज्ञान हरियाणा में बांट रहे हैं, ज्ञान हिमाचल प्रदेश में बांट रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो उनके विधायक हैं, आए दिन में कोई विधायक करप्शन के मामला में तिहाड़ में जा रहा है, कोई ACB उठा रहा है, तो इनके जो विधायक का जो भाव है जनता से बहुत तरीके से पेश होना और जनता को मतलब जाति सूचक सब से संबोधित करना, तो FIR हुआ है। और अगर ये FIR हुआ तो मैं तो दिल्ली पुलिस से आग्रह करूँगा कि आपने 23 तारीख का कंप्लेन को 15 तारीख में FIR किया है तो आपने जांच पड़ताल करके ही किया होगा। जब जांच पड़ताल करके उन्होंने 15 तारीख को FIR किया, 17 तारीख है तो सैटरडे संडे है मान लिया, लेकिन आने सप्ताहों में, आने वाले दिनों में, एक वीक में अगर दिल्ली पुलिस विधायक को अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम जनता के लिए लड़ेंगे। ये जो दिल्ली कैंट से विधायक हैं वीरेंद्र काजान जी, इनके कई बार ऐसे विवादित मामले हुए हैं, पीछे देखा होगा आपने, भगवान को गालियां दे रहे थे ट्विटर पर भी लिखा था, और कभी महिलाओं के साथ में, और यहाँ जो पूरा जो गरीब आदमी है जो छोटा मोटा अपना रेहड़ी खुमचा काम कर रहे हैं, उन लोगों को इनके लोग जो हैं कुछ छोड़ रखे हैं, इन्होंने वो परेशान करते घूमते रहते हैं, अगर उनकी रजाबंदी के बगैर यहाँ आप एक पकोड़ा भी नहीं बेच सकते हैं, जो कि रोजगार के लिए आदमी छोटा मोटा काम करता है। इसी तरीके से हुआ ये नीरज निरवाल नाम का जो आदमी है, इसको जो है ना इन्होंने SDM के माध्यम से जो है ना SDM ऑफिस में बुलाया दिल्ली कैंट वाले में, तो वहाँ जब ये गया तो SDM ने बातचीत की, फिर कुछ टाइम बाद में जो है ना SDM ने विधायक को वहाँ पर बुला लिया, और विधायक को बुलाने के बाद में जब किसी ने बताया कि विधायक आपको ढूंढ रहा था, ये निकलने लगा था विधायक, उसको धमकाने लगा, गालियां देने लगा कि तुझे जेल में बंद कराऊंगा, और जो है ना जाति सूचक शब्द बोले, तो बाहर जब निकल के आया तो विधायक के कुछ गुंडे, उसमें लिखा है कंप्लेंट में भी लिखा हुआ है, कुछ गुंडे बाहर खड़े थे, तो बाहर जो है ना उन्होंने पकड़ लिया तो फिर अंदर से फिर दोबारा विधायक को बुला लिया, तो वो भी उनको गालियां देने लगे, और जो ना हथियार वगैरह भी इनके पास में मौजूद थे, जो ना पिस्टल वगैरह उन्होंने ले रखा था। जिस तरीके से एक दलित परिवार के आदमी को जिस तरीके से डरा धमका रहे हैं, ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जो है जिस नीति से ये आम आदमी पार्टी बनी थी वो सारी नीतियां अपनी भूल चुकी है, और अब जो है ये जो है उस कगार पर आ गई है कि इसको जो है ना जिस तरीके से वो कहते हैं ना, वो जब गीदड़ की मौत आती है तो जो है ना शहर की तरफ भागता, गाँव की तरफ, तो अब जो जिस दलित समाज ने इस पार्टी को उठाया, उस दलित समाज को जो है ना जिस तरीके से उनके लोगों को ये धमका रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनसे उगाही करने का काम कर रहे हैं। ये जो तिलकलैन थाना है, तिलकलैन थाने के अंदर जो है ना ये मामला दर्ज हुआ है, और जो है इसमें धारा 341 भी लगी है, और जो है ना 506 भी लगी है, और SC Act के तहत भी जो ना धारा लगी है, और उसमें शायद उसमें ऐड धारा जो ना अनलीगल वेपन रखने की, और जो है ना दूसरा जो है ना जिस तरीके से कई आदमियों ने एक झुंड बना के एक बंदे को वहाँ घेर के मारने की, पीटने की और धमकी देने का काम किया, तो इसमें और धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। आप लोग अब क्या चाहते हैं इसमें, क्या इसमें जो रवैया है वो पुलिस का ढुलमुल रवैया है। पुलिस जो है लगातार जो है एक गरीब आदमी जो है ना
20-25 दिन से चक्कर काट रहा है, और जब जाके उसकी FIR होती है, जबकि CCTV फुटेज हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, गवाह हैं, उसके बावजूद भी जो है ना पुलिस जो है ना एक ताकतवर आदमी के खिलाफ काम नहीं कर रही है। इसलिए जैसे बोलते हैं कि ताकतवर आदमी के लिए कानून जो है ना लचीला कमज़ोर हो जाता है और गरीब आदमी के लिए कठोर हो जाता है। तो मेरा यही कहना है जो है ना अभी तुरंत प्रभाव से जो है ना पुलिस को इनको अरेस्ट करना चाहिए, इस मामले की जाँच करनी चाहिए, और उस युवा साथी जो है उसको जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए, और वो इन्हीं की पार्टी का उपाध्यक्ष है, इन्हीं की पार्टी के इनके साथ काम करने वाला, अपने लोगों को ही जो जिस तरीके से दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो वो एक बहुत ही शर्मनाक है। मेरे पास शब्द नहीं है इस विधायक की निंदा करने के लिए जो इस तरह का घिनौने अपराध करते घूम रहे हैं, और एक नहीं जगह जगह प्लॉटों पर कब्जा करते घूम रहे हैं, यहाँ भी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके यहाँ घर बना रखे हैं, ऑफिस बना रखे हैं, पर क्या बीजेपी ये सब लोग मिले हुए हैं, ये सब जो हमाम के नंगे लोग हैं।